चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की जीरो का टेलर जैसे ही यूट्यूब पर जारी किया गया, वैसे ही इस टेलर को भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए देखा गया और जीरो में शाहरुख खान का बिल्कुल नया अवतार दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया है। यह फिल्म दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली है, यानी शाहरुख खान की जीरो इस साल की सबसे बड़ी मोस्ट अवेटेड फिल्म होने वाली है। फिल्म के निर्माता काफी जोर शोर से लगे हुए हैं कि दर्शकों को इसका बेसब्री का इंतजार वो अपने टाइम पर ही पूरा करें। फिल्म जीरो में शाहरुख खान एक बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। शाहरुख खान पहली बार कैरियर में इतना मजेदार किरदार निभाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ की जोड़ी भी दर्शकों को देखने को मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जहां से सब लोग सोच रहे हैं कि फिल्म शाहरुख खान खास किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं उनको यह भी नहीं पता है कि जीरो में अनुष्का और कटरीना कैफ के लिए किरदार भी अलग होने वाला है। ऐसा किरदार दोनों अभिनेत्रियों ने अपने कैरियर में अभी तक नहीं निभाया है। फिल्म में कटरीना कैफ का किरदार एक ऐसी महिला का है जो जिंदगी में शराब की लत से लड़ रही है और आदत की वजह से कटरीना के किरदार को फिल्म के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं फिल्म अनुष्का शर्मा के किरदार की बात किया जाए तो वह एक वैज्ञानिक बनी हुई है। फिल्म के निर्माता अपने किरदार के बारे में यह जानकारी लगातार छुपा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि फिल्म के टीलर से पहले दर्शकों को जीरो के बारे में कोई भी जानकारी मिल जाए। तो देखना ही होगा कि शाहरुख खान का जीरो क्या बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से इतिहास रचती है या नहीं, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिल्म का टाइटल ट्रैक 21 जनवरी 2018 को ही रिलीज कर दिया गया है।